हाँ दोस्तों, आज मैं 3.3 का तीसरे का पहला इम्पोर्टेंट सवाल अभी कराने जा रहा हूँ। बहुत दिनों से मैंने गणित की वीडियो नहीं डाले थे, तो आज गणित का वीडियो डाल रहा हूँ, देख लीजिए। और वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 36 है और एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है और पेपर में आने की 100% चांस है। देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का तीसरे का पहला सवाल है, दो संख्याओं का अंतर। देखो जहां तक पढ़ो, पहले दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दो संख्याओं का अंतर तो मानो कि पहली संख्या कौन सी है, लिख लेते हैं हल। माना कि पहली संख्या लिख लिया एक्स और दूसरी संख्या बाई है, ठीक है। देखो पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या है, बाई है, तो दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर वो अंतर के लिए लगाते हैं अपन माइनस का चिन्ह और योग के लिए लगाते हैं प्लस का चिन्ह। तो अंतर है तो अंतर वाली बात हो जाएगी, तो लिख देंगे प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर तो पहली संख्या और दूसरी संख्या उनका अंतर, तो बीच का अंतर बाय माइनस कितना है 26 है, तो 26 बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा ए। जहां तक बात पढ़ के वो जहां तक समीकरण बना चुके हैं, इतनी दूर नहीं लिखते, थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं। अब देखते हैं, और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। और एक संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई से कितनी गुनी है, तो जहां बराबर हो गया, कितनी गुनी है तो 3 गुनी है, 3, तो 3 गुनी मतलब गुणी, तो 3y। इसको अब इधर लाएंगे तो x माइनस के 3y बराबर 2, 0, समीकरण बन गया 2, तो 1 बन गया और समीकरण 2 बन गया। अब इसको हम या तो प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं या विलोपन विधि से कर सकते हैं। अब देखो कौन सी विधि से करूं मैं, या आप कौन सी विधि से करोगे पेपर में, जौन सी विधि पूछता है कौन सी विधि से। माना कि इसमें प्रतिस्थापन विधि पूछा, उसने प्रतिस्थापन विधि पूछा है, तो प्रतिस्थापन विधि से ही करेंगे। तो पहले प्रतिस्थापन विधि से बताता हूं। अब देख लो समीकरण एक कौन सा है, जो लिखा है ना x माइनस वाई बराबर 26। अब x का मान निकालेंगे तो x बराबर 26 इधर जाके प्लस के हो गए y, समीकरण बन गया 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखने का, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 कौन सा है जो लिखा है, एक्स माइनस 3y बराबर 0। एक्स की जगह पर क्या लगाएंगे, 26 प्लस y, तो 26 प्लस y माइनस के 3y बराबर 0। अब देखो इसमें से घटाएंगे तो 26 माइनस के 2y बराबर 0। अब माइनस के 2y देगी नहीं, बराबर देगी नहीं, इधर आ गए माइनस के हो गए 26, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 26/2। अब देख, अब y बराबर 13 × 26, तो 13, y का मान कितना आ गया 13। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 कौन सा है, x बराबर 26 प्लस y, x बराबर 26 प्लस y का मान 13, x बराबर 39। अतः पहली संख्या
39 और दूसरी संख्या 13 आंसर। अब देखो मैंने इसको प्रतिस्थापन से कराया तो ऐसे ऐसे बनवाया समीकरण एक से समीकरण दूसरी कर सकते हैं अपन, और जहां तक की एक्स वाई की मान निकाल ली तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां से इधर से स्टार्ट हो गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। समझ में नहीं आया तो वीडियो को रोक रोक के देखिए, मगर एक बार कभी कभी नहीं आता है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो को रोक रोक के देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आओ इसको मैं प्रतिस्थापन से करा पाता हूँ, तो देखो समीकरण दो से ही बना के बताऊंगा, वो सॉरी विलोपन से करा पाता हूँ तो विलोपन से भी करा के बताऊंगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पैर बनाते चलना, ऐसे कभी देखने के लिए आपके पास कुछ रहेगा। देखिए वीडियो देख के कोई भी नहीं सीख पाता है, वीडियो देख लेते हैं तब तक तो आ जाता है, तो इसके बाद में अपन भूल जाते हैं, तो फेयर में लिखते चलना। अब देखो अगर इसको मैं विलोपन से कराता तो विलोपन विधि देखते हैं, समीकरण एक हो गया समीकरण दो हो गया, तो बताएंगे समीकरण एक और दो से बता लिया एक्स माइनस वाई बराबर 26 और x माइनस 3y बराबर 0, इसमें कुछ नहीं है, दोनों एक जैसे संख्या x x है, कुछ नहीं बदल कर सकते हैं, तो जहां प्लस का है तो कुछ नहीं करेंगे, माइनस कर देंगे, जहां माइनस का है तो प्लस का कर देंगे, जहां बराबर है तो प्लस का ही मानते हैं तो हम माइनस का कर देंगे, चलो विपरीत करते करते हैं सीधी बात, जी जब माइनस का होता है तो प्लस का कर देते हैं, प्लस का होता है तो माइनस का कर देते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं, बोलते हैं देखते जो प्लस का जो माइनस का विपरीत चिन्ह हुए कट गए, प्लस के 3y और माइनस के 1y कुछ नहीं है तो एक मानते हैं तो घटेंगे, प्लस के 3y से माइनस का 1 गया तो 2y बची, कोई प्लस के प्लस लिखती नहीं, बराबर 26 में से 0 गया तो वो तो 26 ही बचेंगे, अब y बराबर 26 बटे में 2 कैंसिल हो गया तो y बराबर क्या बचा 13। अब y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रख दो या दो में रख सकते हैं, एक में x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस वाई का मान कितना है 13 बराबर 26, x बराबर 26 माइनस का उधर जाके वाई दो 13 कितना हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर कितना आ गया 39। अतः पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13 है आंसर, तो जो गया विलोपन से और वो पहला था प्रतिस्थापन से, दोनों विधि से सवाल सरल है, मगर बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं, बोलते सरल सर सरल नहीं है कठिन है, तो देख लीजिए आप मेरी वीडियो देखिए शुरू बाई नंबर से चलता चलता मैं जैसे ही मुझे समय मिलता है वीडियो डाल देता हूँ, और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आप जोन सी वीडियो मांगोगे या मैं डाल ही देता हूँ, और इंग्लिश की भी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो आप पूरी वीडियो देख लीजिए मेरी, धन्यवाद।